झारखंड की सियासत का एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड ये है कि आज तक रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और इसी पैटर्न को कायम किया है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो चलिए आज झारखंड से ही करते हैं बात चुनाव की। अब मैं आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में झारखंड की स्थिति क्या होगी उसकी बात करूं, लेकिन उससे पहले वहां पर अभी हुआ क्या है ये पूरा विस्तार से आपको बता देती हूं, क्योंकि ये समझने के बाद ही कोई भी सियासी गणित आगामी चुनाव की आपको तभी समझ में आ पाएगी। अब बिहार से अलग होने के बाद 23 साल के दौर में यहाँ जनता ने 3 बार राष्ट्रपति शासन भी देख लिया है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चेहरे यहाँ पर सीएम के तौर पर रिपीट भी हुए हैं, जिनमें हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है। अब ये सोचने वाली बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों का जो औसत कार्यकाल है आप जानते हैं लगभग कितना रहा है? 1.5 वर्ष। अब राज्य को एक स्वतंत्र उम्मीदवार को भी सीएम बनाने का गौरव प्राप्त है, जिसने 2 साल तक इस कुर्सी को, मुख्यमंत्री की कुर्सी को झारखंड में संभाला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ रघुवर दास को अगर हटा दें तो सिर्फ उन्होंने ही 5 साल का कार्यकाल यहां पर पूरा किया था, और बस एक और नाम हेमंत सोरेन का आ गया था, जो थोड़े ही महीने के बाद लग रहा था कि एक और रिकॉर्ड बना देंगे, कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। हेमंत सोरेन, ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा, ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के ये पुत्र हैं। इंजीनियर बनने का सपना देखते देखते हेमंत सोरेन, पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि उसी के चलते राजनीति में हो गई हेमंत सोरेन की एंट्री, लेकिन ऊंचे सपने सजाते सजाते उनका पता कब होटवार जेल हो गया ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ये पूरी कहानी मैं आपको समझाती हूँ। हेमंत सोरेन ने 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला, और वो 2 मौके कौन से थे? पहले जुलाई 2013 से दिसंबर 2014, और उसके बाद दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक। लेकिन फिर हुआ जमीन का खेल और हेमंत सोरेन को जाना पड़ा जेल। अब इस कहानी को और बेहतर समझने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ बहुत सरल भाषा में कि हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है। सोरेन से कथित जमीन घोटाले के जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाह रही थी, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला रहा, जिसके बाद पूछताछ हुई और फिर जेल जाना पड़ा। अब ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में बताई जाती है, और इस अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब इस मामले में एजेंसी ने अब तक लगभग, आपको ये भी बता दूं कि 14 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और इसी में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन का नाम भी शामिल है। और फिर आखिरकार हेमंत सोरेन की भी इसी मामले में कई सारे समन्स भेजने के बाद गिरफ्तारी हो गई। आप जानते हैं आपकी एक सबसे बड़ी बात निकलकर क्या सामने आई कि कई दफा समन्स जारी करने के बाद भी वो पेश ही नहीं हुए। अधिकारी दिल्ली में खोजते रहे, सोरेन तो उस वक्त नहीं मिले, लेकिन क्या मिला? एक BMW कार और 36 लाख कैश। और फिर क्या था, सवालों की वो फहरिस्त जो पहले से तैयार थी वो और ज्यादा लंबी होती चली गई, और इसी ने हेमंत सोरेन की मुश्किल को ज्यादा बढ़ा दिया। अब हेमंत सोरेन के इस मसले पर राजनीति ना गरमाती तो ये पिक्चर कहीं अधूरी से दिखाई देती। निशिकांत दुबे ने भगोड़ा कह दिया तो बाबूलाल मरांडी ने लापता के पोस्टर तक छपवा दिए, और ये कहा
कि हेमंत सोरेन को जो ढूंढ लाएगा उसे 11,000 रुपए का इनाम दे दिया जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी की जब तलवार लटकते हुए देखी, हालांकि बाद में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब उन्हें समझ में आने लगा कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर क्या दावपेच उन्होंने चले, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हेमंत सोरेन रातों रात उसके बाद रांची पहुंच गए और फिर मीडिया के सामने आकर गाड़ी में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, हाथ ऐसे हिलाया मानो कोई जंग वो जीत कर आ गए हों। लेकिन ये सब कुछ गिरफ्तारी के पहले की तस्वीर थी जो रांची से हेमंत सोरेन के सामने आई। और फिर उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने विधायकों को बुला लिया और संभवतः पहली बार ऐसा रहा कि विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी दिखाई देती हैं। और ये वो धर्मपत्नी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और फिर क्या था, सिर्फ विपक्ष ही क्या, हेमंत सोरेन अपने ही विधायकों से इसी मसले पर घिरते हुए चले गए और इसी वक्त एक दूसरे नाम पर मोहर लगते हुए दिखाई दी। और वो नाम किसका था, वो नाम था चंपई सोरेन का। अभी सोरेन समझकर अगर आपको लग रहा है कि ये फिर से सोरेन परिवार पर ही बात आकर अटक गई है, तो फिर जरा आप रुक जाइए, मैं आपको बताती हूं कि आखिर चंपई सोरेन है कौन और कैसे इतने बड़े पद के लिए अचानक से उनका नाम चर्चा में आ गया और उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। साधारण से परिवार में जन्मे चंपई सोरेन, जिनके पिता सिमल सोरेन खेती किसानी का काम किया करते थे, और इस नाम की चर्चा तब शुरू होती है जब बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। उस वक्त शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, जिनकी सबसे अहम भूमिका रही, उन्हीं के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में ही कूद पड़े थे और बहुत जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से वो मशहूर हो गए। और फिर क्या था, इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव के दौरान निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया था और फिर इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। और यही चंपई सोरेन बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हेमंत सोरेन की सरकार में वो दूसरी बार मंत्री बने। और चलिए अब करते हैं बात लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव की। इस वक्त झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14, और विधानसभा की अगर मैं सीटों की बात करूं तो इसकी संख्या 81 हो जाती है। अब इसके समीकरण को जरा मैं आपको समझाती हूं, लेकिन इस समीकरण को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको मेरे साथ 2019 में चलना होगा और विधानसभा चुनाव के उस वक्त के नतीजे क्या सामने आए थे वो जरा देख लेने होंगे, क्योंकि अब कुछ महीने के बाद फिर से चुनाव होना है। अब जेएमएम ने 30 सीटें उस वक्त हासिल की थी और मैं कांग्रेस की बात करूं, जो इसी गठबंधन का हिस्सा है, वो 16 सीटें जीती थी। आरजेडी ने 1 सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें उस वक्त अपने नाम कर ली थी। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक ने 3 सीटों पर उस वक्त जीत दर्ज की थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने भी 2 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि निर्दलीय ऐसे 2 प्रत्याशी रहे थे जिन्होंने 2 सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद जरा 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की स्थिति क्या कहती है वो भी जरा समझ लीजिए। कुल सीटें जैसा मैंने आपको बताया 14 है। अब झारखंड में भाजपा और आजसू गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़ा और 12 सीट पर जीत दर्ज की थी। जेएमएम और कांग्रेस ने 1-1 सीट ही लोकसभा चुनाव में हासिल कर ली थी, यानी कि लोकसभा चुनाव में उतनी बेहतर स्थिति में वो नहीं दिखाई दी जितनी बीजेपी दिखाई दी। अब एक बात आप ये समझ लीजिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी भी जाति का प्रभाव दिखाई देता है तो वो आदिवासी समाज ही है। हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा चेहरा है और उनके पिता को बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ वहां दिशोम गुरु कहा जाता है। तो चुनावी समीकरण भी अब आदिवासियों को साधने के ही हिसाब से तय होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आने वाले चुनाव के तहत आप ये जान लीजिए। अब देखिए, सूत्र तो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में होगी कि हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाए। तो दूसरी तरफ
सत्ताधारी पार्टी जेएमएम और सहयोगी दल आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इमोशनल कार्ड पर इस्तेमाल करने की पूरी तरह से तैयारी में यहां पर रहने वाले हैं। और एक बार फिर से आपको वो कविता यहां पर सुनाई देगी जो हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद ट्वीट की थी। वो कविता कौन सी थी? ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता नब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड। उम्मीद है आपको झारखंड की राजनीतिक स्थिति वर्तमान और भविष्य के हर पहलू के लिहाज से पूरी तरह से अब समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में और करेंगे बात चुनाव की। थैंक यू सो मच। आई सी यू अगेन।